हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपको एक एरे गिवन है एन पॉइंट्स की, और आपको उसमें से के क्लोजेस्ट पॉइंट जो ओरिजिन के हैं वो निकालने हैं, और जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक 2D प्लेन पे आपको गिवन होंगे। और आप यहाँ पे एक अजम्पशन ले सकते हैं कि जो के होगा हमारा, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें बताने हैं क्लोजेस्ट ओरिजिन के, वो एन से बहुत छोटा होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? तो एक अप्रोच तो ये होगी कि आप सिंपली जो सारे पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस निकाल लीजिए ओरिजिन से, फिर उनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स को सॉर्ट कर लीजिए। उसके बाद जो सॉर्ट होने के बाद जो एरे आएगी उसमें जो स्टार्टिंग के इंटीजर जो के पॉइंट्स होंगे उन्हें आप प्रिंट कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप उसे इस अप्रोच से करते हैं तो जो आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो जाएगी ओ ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि आपको जो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो पॉइंट्स को वो एन लॉग एन जाएगी। तो एक सॉल्यूशन तो वो होगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा एफिशिएंट अप्रोच क्या होगा? तो दूसरी एफिशिएंट अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पे हीप का यूज़ करके इसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो हीप की हेल्प से हम इसी चीज़ को एन लॉग ओ ऑफ एन लॉग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हीप का यूज़ करेंगे। तो हीप दो टाइप्स के होते हैं, मैक्स हीप मिन हीप। तो हीप में बेसिकली जो आपके एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो आपका टॉप पे एलिमेंट होगा हीप में वो हमेशा या तो मैक्सिमम होगा सारे एलिमेंट्स में या मिनिमम होगा सारे एलिमेंट्स से। तो वो स्पेसिस पर डिपेंड करता है कि आपने मैक्स हीप बनाया या मिन हीप बनाया। तो आज हम मैक्स हीप बनाएंगे, और जो हम हीप बनाएंगे उसको हम साइज के का मेंटेन रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एल्गोरिथम में कि सारे पॉइंट्स को लूप करेंगे और उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लूप के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारे हीप का साइज़ है अगर वो के से छोटा है तो उस केस में हम सिंपली जो पॉइंट होगा करंट उसे हीप में हम अपने पुश कर देंगे, और अगर जो हीप का साइज़ है वो ऑलरेडी के है तो उस केस में हम और एलिमेंट्स पुश नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो हीप में टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है हीप में, उसकी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे करंट पॉइंट के डिस्टेंस से छोटी है बड़ी है। अगर वो वैल्यू बड़ी हुई हमारे करंट पॉइंट के डिस्टेंस से तो हम उस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे हीप में से और जो करंट पॉइंट है उसे पुश कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और हमारा हीप पे मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर बाइट में जब ये लूप कम्प्लीट हो जाएगा तो लूप कम्प्लीट होने के बाद जो हमारे पास हीप होगा तो उस हीप में जो टॉप एलिमेंट प्रेजेंट होगा इस लूप के कंप्लीट होने के बाद उसकी हेल्प से हम के पॉइंट्स जो है ना प्रिंट करेंगे। तो के पॉइंट्स प्रिंट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस लूप के बाद दोबारा से के पॉइंट्स को दोबारा से सारे एन पॉइंट्स जो होंगे ना लूप करेंगे, और उसमें जो के पॉइंट्स होंगे जिनका की जो डिस्टेंस होगा जो हमारे हीप में टॉप पे एलिमेंट प्रिंट है उससे छोटा होगा उन्हें प्रिंट करेंगे। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे जो आपका लूप होगा बाहर वाला वो एन टाइम्स चलेगा, और यहाँ पे अंदर जो हम हीप में इंसर्शन और रिमूव करेंगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग के होगी। तो ओवरऑल आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन लॉग के होगी। तो ओ ऑफ एन लॉग के आपकी ओ ऑफ एन लॉग एन से बेटर है, क्योंकि हमारा जो के है वो एन से छोटा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन ली थी कि हमारा के जो है वो एन से छोटा होगा। तो चलिए आप इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं हीप मैक्स हीप बनाने के लिए प्रायरिटी क्यू का यूज़ करूँगा। तो प्रायोरिटी क्यू जो सिमिलर फंक्शनैलिटी है हीप वाली कि हमें मैक्स टॉप पे जो होगा हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा मैक्स हीप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो हम प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू हमारी एक टेम्पलेट क्लास है, तो यहाँ पे हमें तीन टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि हमें किस टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कराना है इस प्रायोरिटी क्यू में, और दूसरा जो इस प्रायोरिटी क्यू में अंडरलाइन कंटेनर होगा वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, और तीसरा यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑब्जेक्ट होता है जिसके बेसिस पे हमारे जो हीप में एलिमेंट्स होंगे वो अरेंज होंगे। तो हम ये जो तीनों टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट में हमें चाहिए उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ, पॉइंट क्लास, इससे जिसके हेल्प से हम जो पॉइंट्स हैं हमारे उन्हें स्टोर कराएंगे हीप में। तो यहाँ पर मैं सारे मेम्बर्स को पब्लिक रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पहले जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें डिक्लेयर कर लेता हूँ,
और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ पॉइंट, जिसके अंदर मैं एक्स और जो वाई वैल्यू है वो पास करूँगा। और यहाँ पे दिस पॉइंटर का यूज़ करके जो इसके डेटा मेम्बर्स हैं उन्हें जो वैल्यू पास हो किया है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, उससे इनिशियलाइज करा लेता हूँ। तो ये हमारे जो डेटा मेम्बर्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। और इसके बाद मैं इसमें एक और फंक्शन बना लेता हूँ जो कि डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फंक्शन बना रहा हूँ। तो डिस्टेंस फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। तो पॉइंट से जो पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, यहाँ पे वो पॉइंट में भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इसका रिटर्न टाइप डबल ले रहा हूँ। तो यहाँ से सिंपली मैं जो उसका डिस्टेंस है वो रिटर्न करूँगा, और एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सिंपली अंडर रूट ऑफ एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर एस क्यू आर टी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ स्क्वायर रूट के लिए, और सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। तो यहाँ पे ये यह हमारा पॉइंट क्लास बन गया है। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे कंपैरिजन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए मैं एक फंक्टर बनाऊँगा। तो आपने अगर फंक्टर नहीं पता आपको तो आप सी प्लस प्लस बेसिक सी प्लस प्लस जो इस चैनल पे ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप फंक्टर ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट या फंक्टर्स क्या होते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कंपैरेटर नाम से या कंपेयर सिंपली कंपेयर नाम से एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एक फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर होता है उसे ओवरलोड करना होता है। तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड करूँगा। तो सिंपली ये जो रिटर्न टाइप होगा इसका वो एक बुलियन होगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो ऑपरेटर ओवरलोड करूँगा मैं, तो इसलिए मुझे ऑपरेटर कीवर्ड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फंक्टर बनाना है या फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है। और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास होके आएंगे पॉइंट टाइप के, और इसको मैं एज अ रेफरेंस पास करूँगा क्योंकि मुझे कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है थी। और यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज नहीं करूँगा तो इसे मैं एज अ रेफरेंस पास कर सकता हूँ। और दूसरा पॉइंट पी वन और पी टू, और यहाँ से सिंपली ये रिटर्न करेगा कि जो हमारा पी वन है उसका डिस्टेंस जो हमारा पी टू है उसके डिस्टेंस से छोटा है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर छोटा नहीं है तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन ऑब्जेक्ट बन गया है। तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन ऑब्जेक्ट देना होता है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए एक कंपैरिजन ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो अब हम प्रायोरिटी क्यू में टेम्पलेट्स दे सकते हैं अपने। तो सबसे पहले टेम्पलेट होगा हमारा जिस टाइप का ऑब्जेक्ट हमें अपने प्रायोरिटी क्यू में रखना है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट टाइप का ऑब्जेक्ट रखना है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट पहला टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट दूंगा। दूसरा हमें यहाँ पे जो अंडरलाइन कंटेनर होता है, तो यहाँ पे हम एक वेक्टर को ले रहे हैं अंडरलाइन कंटेनर, और वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ले रहे हैं हम। तो हमारे यहाँ पे जो कंटेनर होगा जो प्रायोरिटी यूज़ करेगा वो दे दिया हमने। और तीसरा यहाँ पे कंपैरिजन ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है कंपेयर, वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा प्रायोरिटी क्यू जो टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट में जो हमें प्रायोरिटी क्यू में जो हमें टेम्पलेट आर्ग्यूमेंट पास करने थे वो हमने पास कर दिए हैं। और यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ हीप। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्यू बन गई है। और यहाँ पे मैंने जो वेक्टर और एस क्यू आर टी फंक्शन यूज़ किया है और प्रायोरिटी क्यू यूज़ किया है उनकी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। तो वेक्टर की हेडर फाइल सिंपली वेक्टर, और जो एस क्यू आर टी फंक्शन यूज़ किया है उसके लिए सी मैथ, और जो प्रायोरिटी की यूज़ किया है उसके लिए क्यू। चलिए अब जो आगे की एल्गोरिथम है उसको प्रोसीड इसके लिए प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू यानी एक हीप बना लिया है। अब यहाँ पे हमें सारे जो पॉइंट्स होंगे उन्हें लूप करना होगा। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट्स हैं वो डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले हमारा एन होगा और के होगा, एन हमारा नंबर ऑफ पॉइंट्स है और के जो है हमारा वो जो हमें क्लोजेस्ट पॉइंट नंबर ऑफ क्लोजेस्ट पॉइंट जो प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पे एन में सपोज़ 5 ले लेता हूँ और के में सपोज़ 3 ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ एक्स
एक्स कोऑर्डिनेट्स की, जो हमें एंड पॉइंट गिवन है उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है उनकी एरे, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स की एरे ले लेता सपोज 0, 1, 2, 3, पांच पॉइंट्स लेने के लिए हमें एन का साइज 5 दिया है। तो यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट ले एक्स कोऑर्डिनेट एक और ले लेता हूँ सपोज सेम 2 ही ले लेता हूँ, हम वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट कर देंगे इसका। अब वाई कोऑर्डिनेट की एरे बना लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे 1, 0, 1, 1 और 2। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट होगा 0, 1, दूसरा पॉइंट होगा 1, 0 और तीसरा पॉइंट होगा 2, 1 और चौथा पॉइंट होगा 3, 1 और फिफ्थ पॉइंट होगा 2, 2। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एन के और जो पॉइंट्स हैं वो डिक्लेयर कर लिए हैं। अब हम आगे के एल्गोरिथम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमें सारे पॉइंट्स ट्रावर्स करने होंगे, तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब जैसे हमने एल्गोरिथम देखा था, हमें लूप करना है और लूप के अंदर आते सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारा हीप है उसका जो साइज़ है वो के से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ये के से छोटा होगा तो हम हीप में जो हमारा पॉइंट है करंट उसे पुश कर देंगे। तो एक मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पी और उसके कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसे इनिशियलाइज करा लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा करंट उसे पास कर दूंगा इसे कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट पी इनिशियलाइज हो जाएगा। और अगर हीप का साइज़ के से छोटा है तो सिंपली मैं उसे हीप में पुश कर दूंगा। और एल्स पार्ट में अगर हीप का साइज़ के से छोटा नहीं है, यानी कि हमारे हीप का साइज़ ऑलरेडी के होगा अगर, तो उस केस में हम चेक करेंगे कि जो हमारा हीप में टॉप पे एलिमेंट है उसका डिस्टेंस छोटा है कि नहीं या बड़ा है अगर जो हमारा करंट पॉइंट है उसके डिस्टेंस से। तो अगर ये सिचुएशन हुई तो उस केस में हम जो हीप में टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसे रिप्लेस करेंगे और जो करंट पॉइंट है उसे हीप में पुश करेंगे। तो यहाँ पे हीप में से रिमूव करने के लिए टॉप पे जो एलिमेंट है उसके लिए मैं हीप में पॉप फंक्शन जो होता है उसका यूज़ करूँगा। तो ये जो टॉप पे एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसे रिमूव कर देगा हीप में से और जो करंट पॉइंट है उसे पुश कर दूँगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो लूप है पूरा, वो जो हमने एल्गोरिथम देखी थी उसके अकॉर्डिंग जो हीप पे मॉडिफिकेशन है वो सारी अप्लाई करते गए और हमारा फाइनली जो इस लूप के बाद जो हीप आएगा बाहर उसमें जो टॉप एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसकी हेल्प से हमें जो बाकी के जो के पॉइंट्स हैं क्लोजर टू अरे उन्हें हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली दोबारा लूप करेंगे सारे पॉइंट्स को, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो पॉइंट है एक्स आई कमा वाई आई उसका जो डिस्टेंस है हीप में जो टॉप एलिमेंट है हीप डॉट टॉप डॉट डिस्टेंस उससे छोटा है कि नहीं, छोटा या उसके इक्वल। तो अगर वो इसके इससे छोटा या इससे इक्वल हुआ तो उस केस में हम सिंपली उस पॉइंट को प्रिंट कर देंगे। के को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हम के को डिक्रीमेंट किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि हमने कितने पॉइंट्स प्रिंट किया है। तो अगर के की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम लूप से बाहर आने के बाद चेक करेंगे कि के हमारा 0 तो नहीं है। तो अगर के की वैल्यू 0 हो जाती है उस केस में हम के पॉइंट्स प्रिंट कर चुके होंगे, तो हम सिंपली यहाँ से लूप से ब्रेक कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम बन गया है, चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं इसमें। पॉइंट्स मैंने दे दिया है लाइन नंबर 33, तो ये हमारा वेक्टर पॉइंट है।
अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है, ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो हमने प्रायोरिटी क्यू बनाया है, इसमें जो जैसे आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू टाइप कांस्टेंट पॉइंट, तो ये जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है इसमें जो एलिमेंट हम पास करते हैं वो एज अ कांस्टेंट पास होता है, और यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस फंक्शन बना रखा है वो एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, तो इस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे हम सिंपली जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन है उसे कांस्टेंट बना देते हैं, तो उसके लिए सिंपली कॉन्ट कीवर्ड लगा देंगे हम डिस्टेंस के आगे। तो अब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाना चाहिए, तो ये कंपाइल हो गया है, चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने जो पॉइंट्स पास किए थे 0,1, 1,0, 2,1, 3,1 और 2,2, इसमें से जो 3 क्लोजेस्ट पॉइंट है ओरिजिन के वो है 0,1, 1,0, 2,1। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो के क्लोजेस्ट पॉइंट है उन्हें कैलकुलेट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है ओवरऑल ओ ऑफ एन लॉग के जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक हीप, मैक्स हीप का यूज़ किया है इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो ये कॉन्सेप्ट बताया और ये तरीका बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपको क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।